सो जो हमारा जिंदगी का टाइमलाइन होता है, 1 आवर में जो हाँ सबके लिए 1 आवर होता है, वो टाइमलाइन है, उसके ऊपर हमारी लाइफ है या हम हाँ है ना। हम भी सेम स्पीड से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हाँ नीचे टाइमलाइन है, ऊपर बुढ़ापे की तरफ हम सेम स्पीड से सब जाते हैं। नॉर्मल खाना, नॉर्मल हाँ पीना, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई, जॉब, सिंपल जो चल रहा है वो। अब यहाँ पर हम जो हमारा बुढ़ापा है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम करना तो आता अच्छा नहीं, वो ऑप्शन हमें पता नहीं, क्योंकि हम वो उसके बारे में कभी सोचा नहीं। पर हमें फास्ट करने में बहुत मज़ा आता है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, 1 घंटे में हमने 3 दिन बुढ़ापा का वो तय कर ले। इसको कहते हैं हम टाइम पास करना। सो हम इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, इतना अननेसेसरी इमोशंस डाल देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, जो हमारा लाइफ है वो फास्ट एज हो जाता है ना। और माँ लक्ष्मी क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्ट है ना, नॉन इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन नॉन इन, इन्वेस्टमेंट क्यों कहा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इन्वेस्टमेंट, कि भाई तुम्हारे पास एक समय है, जो एक नीचे टाइमलाइन है ना समय का चल रहा है कंटिन्यूस, ऊपर कर क्या रहे हो, बस नॉर्मल अपना जी रहे हो, तो समय के हिसाब से बस जी रहे हैं। ऐसा लोग बोलते हैं, यहाँ बस क्या चल रहा था, कि बस जी रहे हैं, चल रहा है, तो वो चल रहा है, टाइम कट रहा है। अब तुम उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे वो समय में, तो फिर आगे क्या होगा, तुम्हें हेल्थ रिजल्ट में मिलेगा। रिटर्न्स मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो लाइफ का जो चालू है वो धीरे हो जाएगा, और लंबा समय तुम जी सकते हो, खुशी से जी सकते हो, इन्वेस्टमेंट से जी सकते हो। तो ऊपर का जो लाइन है हमारा लाइफ का, वो वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स वो कम ज़्यादा हो सकता है, और हमारा जो टाइम लाइन है वो कांस्टेंट है, वो कंटिन्यू चलता ही रह रहा है, सबके लिए कांस्टेंट है। तो जब हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या होता है, उस समय पे हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो जो कांस्टेंट है ना, उसके हिसाब से हमको रिटर्न्स मिलता है। अब ये तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं कि आपको ही रिटर्न मिले, आप ना हो तो किसी और को मिले, आपके फैमिली मेंबर्स को, नहीं तो फिर गवर्नमेंट को मिलेगा, नहीं तो वो कंपनी को मिलेगा जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है ना। पर आप जब अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हो, कहने का मतलब व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ वेस्ट है ना। अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर सब कुछ करते हैं, टेंशन स्ट्रेस, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और अगर हम उसी समय पे हम शांति भाव लाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम बहुत प्रॉब्लम है, पर हम क्या करेंगे, भगवान में रूटेड रहेंगे, भगवान में एंकर्ड रहेंगे। जब हम भगवान में एंकर्ड रहते हैं, तो हमारा जो ये वेरिएबल जो है लाइफ, वो एंकर हो जाता है। एंकर मतलब उसमें वही रुक जाते हैं हाँ, हम। वहाँ रुकता है। तो दिस इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप एंकर होते हो, किसमें कॉन्फिडेंस आपको एंकर करता है कि नहीं, मेरे पास भगवान है, मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता है ना, मैं सिर्फ टाइम पास ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, थाम्बा थाम्बा। तो आप वहाँ रुकते हो, और जैसे शांति है, कॉन्फिडेंस है, लव है, खुद को रिस्पेक्ट करना है, नहीं मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, या इससे ज़्यादा मैं सहूँगी नहीं, वगैरह वगैरह है। तो वो एक रियल इन्वेस्टमेंट इन द लाइफ है। तो उससे क्या होता है, ये जब एंकरिंग करते हैं, जब हम एंकरिंग करते हैं, जैसे हम लोग ब्रेक मार रहे हैं, ये हमने इन्वेस्टमेंट किया ना, तो कार चल रही है, उसको ऊपर ब्रेक लग गया, तो उससे क्या होता है, ये हमारी लाइफ और लंबी चलती है, टाइमलाइन कांस्टेंट है, ब्रेक मारते हुए, ऐसे छोटे छोटे एंकरिंग करते हुए खुद को हम है ना, धीरे 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 हमारा जो उसके ऊपर का हमारा लाइफ है ना, उसको भी स्लो कर रहे हैं। दैट मीन्स इसको स्लो करेंगे तो क्या होगा, हमारा लाइफ और लंबा हो जाता है। एज बढ़ेगी। हाँ एज लॉन्जिटिविटी कहते हैं उसे।
है ना, कि हमारी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाएगी और हम और लंबा जिएंगे, है ना। सो आज मुझे किसी ने पूछा कि आप, मैं सो के हेलो हाय ऐसे बोल रहा था, मैंने उनको पूछा हाउ कैन आई हेल्प यू, तो उन्होंने कहा कि नहीं ओनली फ्रेंडशिप। मैंने बोला मैं टाइम पास नहीं करती हूँ। तो ये वाला टाइम पास का मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे पास समय है, मैं ऐसे कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरे पास वेरिएबल है कि भाई सब ऑप्शंस सब ओपन है, या तो मैं एक्सरसाइज करूँ या तो कोई लड़का लड़की जो भी है उनके साथ बातें करके टाइम पास करूँ। एक्सरसाइज करूँगी तो मैं अपने हेल्थ में एंकरिंग कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, है ना। और मैं कोई भी ऐसे गॉसिप करना, वेस्ट करना, कोई भी ऐसे फ्रेंडशिप करना, यू नो, वो फ्रेंडशिप से मुझे क्या लेना देना, ना मुझे उससे शादी करनी है, ना मुझे उसमें ऐसा कोई तो भी फ्रेंडशिप वाला कुछ है, ऐसे ही टाइम पास है। पर ऐसे ही टाइम पास में होता क्या है, टाइम पास हो जाता है। यू हैव टू रिमेंबर, आई डोंट पास अननेसेसरी टाइम, आई कीप ऑन एंकरिंग माई सेल्फ, क्योंकि जैसे कंटिन्यूसली टाइम चल रहा है वैसे मेरी लाइफ भी चल ही रही है, वो चालू ही रहती है, या तो मैं उसको स्पीड कर सकती हूँ या तो मैं उसको ब्रेक मार मार के थोड़ा स्लो कर सकती हूँ, या तो फिर मर जाएंगे, तो गॉड्स ग्रेस है। पर जब तक चल रहा है उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करना, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना, किस तरह से प्रोएक्टिव होना, ये पूरी बात जो है इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इन टाइम, है ना। तो यही इन्वेस्टमेंट इन टाइम बहुत अच्छी चीज़ ले आता है। और उसका उसका ये क्या है पता है, कि हम इतना इन्वेस्ट करें कि हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ी वो खाना खाए या फिर उनको हम फ़ायदा मिले। जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये तो सब जानते हैं, पर अगर हम सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, मतलब सोसाइटी के लोगों में इन्वेस्ट करें, उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाए, या फिर वो फ्रेंडशिप की बात नहीं करूं जो ऐसे टाइम पास है, पर मैं उनको कुछ देना है ना, कोई ना कोई तरीके से सेवा देना। तो जैसे हम सेवा देंगे तो हम जिसको भी सेवा दे रहे हैं, जैसे जिनको भी हम सेवा दे रहे हैं, तो उन लोगों की लाइफ में हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब वहाँ पर हम एंकरिंग करेंगे तो उससे भी उनकी भी पीढ़ियाँ जो है, मेरी पीढ़ियाँ है, वो सब मुझे याद रखेगी कि नहीं मेरी मम्मा ने ऐसा किया था। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाँ, मरने के बाद 10 लोग याद करते हैं, पर अगर हम लोग लोगों को हेल्प करते जाएंगे, उनके साथ उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करना है, उनको प्रोत्साहित करना है सो दैट वो फाइनेंशियल खुद खड़े हो जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो वो हमको याद रखेंगे और उनके मन में हमेशा हमारे लिए बहुत सारा लव एंड रिस्पेक्ट होगा। वैसे हम बहुत बुरा भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है, नॉट अ प्रॉब्लम, पर एक ही चीज़ है कि मरने के बाद लोग मुझे थू करे या फिर मेरे लिए रोए रियल में, कभी भी 10 साल के बाद भी उनकी आंखों में से आंसू निकले कि बहुत अच्छी थी, उनकी आंखों में चमक दिखे कि नहीं बहुत अच्छी थी लेडी, उन्होंने मुझे हेल्प किया था, एक आंटी थी, एक अंकल थे, एक ऐसे थे, एक बहुत अच्छी लेडी थी, है ना, उन्होंने तब मेरा हाथ पकड़ लिया ना, भले लोगों के सामने ना बोले, पर एक ऐसा समय आएगा जो अपने मन में तो बोलेंगे और ऐसे वगैरह। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हम ईगो बूस्ट करें, मैं ये कह रही हूँ कि किसी की बुरी यादों में हम शामिल हो, उससे अच्छा हम अच्छी यादों में शामिल हो। तो ये क्या हुआ, हमारी टाइमलाइन बंद हो गई, हम लोग जो टाइमलाइन के ऊपर दौड़ रहे थे, हमारी लाइफ वो हमने ख़त्म कर ली कि भाई हम चलो हम तो मर गए, पर हमारी जो यादें हैं वो कॉन्स्टेंट उसके साथ लोगों के दूसरे दूसरे टाइमलाइन के साथ जुड़ गए। जैसे रतन टाटा जी, है ना, जैसे अब्दुल कलाम, तो इन लोगों ने क्या किया, इतने जगह इन्वेस्ट किया, याद रखो क्या किया, इन्वेस्ट इन अदर पीपल्स टाइमलाइंस,
तो टाइम वेस्ट करने के बदले उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट इन टाइम। तो ये जब उन्होंने किया तो क्या हुआ, अब अब्दुल कलाम जी नहीं रहे, पर जब जैसे मैं उनका नाम लेती हूँ तो आपके मन में भी कितना लव एंड रिस्पेक्ट आता है ना, मेरे मन में भी कितना लव एंड रिस्पेक्ट। उन्हीं की सामने हम लोग लेते हैं, एक भाई का नाम ओसामा बिन लादेन है ना, तो जैसे हम उनको याद करते हैं या उनके नाम सुनते हैं तो हमें अंदर से एक घृणा आती है। और हाँ, तो हम उन उन उनसे दूर जाना चाहते हैं है ना। तो इस तरह से क्या है, और कितना भी ये तो हिटलर बहुत, हमने उनको हीरो बना दिया है ना, बट अंटिल अनलेस हिटलर के लेवल पे कोई बड़ा काम नहीं करता, छोटे छोटे लोगों को तो, जो अच्छे लोग नहीं होते, इन लोगों का इंसल्ट करना, बेफिजुल ईगो करना, नार्सिस्टिक बिहेवियर रखना, ऐसे लोगों को तो सबसे जल्दी लोग है ना, उनकी पूरी पर्सनल फैमिली वाले भी फोटो फ्रेम निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेगेटिवली इन्वेस्ट किया था, मतलब उन्होंने खुद को थोपा था लोगों की लाइफ में। तो जैसे जैसे शूल होता है, शूल का मतलब कांटा होता है, कांटे की तरह चुभा था वो। हाँ, तो हम लोग है ना, हमारी टाइमलाइन से ऐसे निकाल निकाल के बाहर फेंक ही देते हैं, ट्रॉमा कहते हैं। तो इट इज़ अप टू अस कि हमको लोगों की लाइफ में इन्वेस्टमेंट होना है, एंकर बनना है, या फिर हमें लोगों की लाइफ में ट्रॉमा बनना है। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो वैसे ही, ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ हमेशा अच्छे से और उनके पीछे घिस जाओ, नहीं, घिसना नहीं है, हमें इन्वेस्ट करना है, हमें खुद को वेस्ट नहीं करना है ना। सो ये माने जब कहा कि नॉन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश हो, खुश तो रहना ही है, बट अपने अपने छोटे छोटे लेवल पे, खुद के करियर में, खुद के हेल्थ में, खुद के पर्सनल रिलेशनशिप में, खुद के ऑफिस के रिलेशनशिप में, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में, ये सब जगह पे भी एक अच्छी तरह से बिहेव करके इन्वेस्ट करना है ना।